हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मैम आ गए हैं भाई संजू ना सोऊंगी और ना सोने दूंगी ठीक है ना दोपहर का बैच लेके आई हूं ठीक है हाँ जी राम राम जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू जब तक सारे बच्चे लाइव आते लास्ट सेशन जो हमने पढ़ा उसकी कोई भी डाउट हो कोई भी बात आपको दोबारा पूछनी हो तो पूछें ताकि हम आज की क्लास शुरू करें लास्ट सेशन में जितना हमने पढ़ा था एक बार चेक कर लो बच्चों वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रोहित गुड आफ्टरनून हरपाल गुड आफ्टरनून तनु गुड आफ्टरनून मोनू रोहिला गुड आफ्टरनून लास्ट सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप एक बार मेरे से अभी पूछ सकते हैं लास्ट सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट फिर हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं <coughs> शेल वी स्टार्ट अवर क्लास मन जांगड़ा अगर लाइट नहीं है गाँव में तो एक काम करो ये जो क्लास है आपको दोबारा अपने चैनल पे मिल जाएगी ठीक है आप वहां से पढ़ लेना ठीक है जी हाँ और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे अब मुझे बताइए कि लास्ट सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे सबसे पहले हमने इंग्लिश एक लैंग्वेज है उससे रिलेटेड हमने काफी कुछ डिस्कस किया था ठीक है उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे क्या तीन चीजें हमें चाहिए होंगी उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेफिनेट ऑर्डर मीनिंगफुल सेंस राइट आफ्टर दैट हम स्ट्रक्चर पे आए थे तो हमने क्या पढ़ा था वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक बार मुझे रिव्यू करके बताएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या पहचान थी सब्जेक्ट की पहचान हमारी क्या थी वोट और हु का रिप्लाई ऑब्जेक्ट की पहचान क्या बन गई थी वोट और हुम का रिप्लाई। ठीक है जी आफ्टर दैट हम आ गए थे बच्चे वर्ब की हमने कुछ पहचान बनाई थी अभी आई एस ई पे खत्म होने वाले शब्द आई जेड ई ए टी ई और एफ वाई यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ठीके? आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था ऑब्जेक्ट में जब हम गए थे वोट और होम का रिप्लाई वहां पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था होम का रिप्लाई हमेशा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा रीजन इज होम शब्द को हमेशा ही लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं ठीक है वोट का रिप्लाई जो शब्द दे रहा होगा चाहे वो लिविंग बींग है चाहे वो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाएगा ठीक है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाना हो तो कंपलसरी ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट होता है अगर लगाने की सिक्वेंस हमें देखनी हो तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है जैसे हमने पढ़ा था गेव मी अ पेन तो पहले मी लिखा ना आपने उसके बाद आपने पेन लिखा कुछ इतनी बातें हमने पढ़ चुके हैं क्लियर है जी हां जी वीडियो रुक गई है बफरिंग दिखा रहा है क्या नहीं रुकेगी अभी आप देखो अभी मुझे कमेंट करके बताओ सब ठीक चल रहा है आवाज सही आ रही है ठीक है अभी हम आगे की कहानी शुरू करते हैं फिर <coughs> कई बार मैं बच्चों से पूछती हूं वर्ब के फॉर्म्स और वो बताते हैं मुझे टाइप्स कई बार टाइप्स पूछती हूँ वो बताने लग जाते हैं फॉर्म्स तो क्या डिफरेंस है भाई दोनों के बीच में वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं और वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं ये हमारा क्वेश्चन है राइट गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हाँ जी तनु वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या हाँ जी एक बार कमेंट करके बताओ वॉइस सही आ रही है क्या हम्म हाँ जी कुछ आवाज का इश्यू बता रहे थे कोई बात नहीं अभी ओके है ठीक है हाँ जी तो सबसे पहले मुझे बताइए वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं बच्चे आपके माइंड में इसकी क्या पिक्चर है वर्ब के फॉर्म्स फॉर्म शब्द का मतलब होता है बच्चे स्वरूप या फिर हम इसको कहते हैं आकार कोई भी वर्ब कितने आकार लेती है कितने रूप लेती है वो वर्ब के फॉर्म्स कहलाते हैं राइट अगर हम ये करेंगे तो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज हो जाएगी तो आप इसको ऐसे समझो किसी भी वर्ब को काम में लेने का तरीका वर्ब को काम में लेने का तरीका अगर आपके सामने कोई भी वर्ब आए आप उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हो ये वर्ब के क्या कहलाते हैं फॉर्म्स कहलाते हैं राइट right? बच्चों पुराने किताब अगर आप खोल के देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा वर्ब के थ्री फॉर्म्स आपको दिखते हैं डू डिड डन जिसको ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या बोला जाता है प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल क्लियर है तो अब ये देखिए बच्चे नया इसमें क्या जोड़ा गया हमने क्या किया बच्चे कि जब फॉर्म का मतलब है किसी भी वर्ब को काम में लेने का तरीका तो जब जब हमारे सामने सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म कहां से लाएंगे हमारे पास तो वर्ब के तीन ही फॉर्म थे पुराने इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं या किताबों में आप देखते हो तो अब ये प्रॉब्लम हमें क्या करनी थी सॉर्ट आउट करनी थी तो कैसे करेंगे देखो अब मुझे साइड में बताओ कुछ बच्चे किसी भी वर्ब के साथ जब जब हम ऐड करते हैं एस या ई एस तो ये सिंगुलर बनती है या प्लुरल व बच्चों हमेशा सिंगुलर बनती है ध्यान दो बच्चे वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है जैसे ही आप एस जोड़ोगे तो ये हमेशा क्या बन जाएगी सिंगुलर बन जाएगी क्लियर यही काम अगर आप किसी नाउन के ऊपर करो किसी भी नाउन के साथ या एस जोड़ने पे नाउन हमेशा प्लूरल बनता है इट मीन्स नाउन का बेस फॉर्म हमेशा कैसा होता है सिंगुलर होता है क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे ये इंग्लिश में देखो बेस फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल है बच्चों बेस फॉर्म किसे कहते हैं जब तक आपने कुछ नहीं जोड़ा इसके साथ जैसी वो है वैसी ही है ठीक है जैसे ही एस सी आई एस जोड़ा तो वर्ब क्या बन गई सिंगुलर बन गई यही काम अगर हम किसी नाउन के साथ करेंगे एस आई एस जोड़ेंगे तो नाउन हमेशा क्या बनेगा प्लूरल बनेगा क्लियर इसका मतलब नाउन का बेस फॉर्म कैसा रहा सिंगुलर रहा कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे आपको ये चीज चाहिए होती है ये जो वर्ब होती है बच्चे इट हैज नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन वर्ब की खुद की कोई पहचान नहीं होती वर्ब का आना हमेशा सब्जेक्ट से डिसाइड होता है आप हिंदी के कुछ सेंटेंस बना के देखो अगर मैं कहती हूं लड़का जाता है बच्चों ता है कब आ रहा है जब लड़का एक है अगर लड़के होता बहुत सारे लड़के अब भी आप जाता है लिखते क्या आप क्या बोलते हिंदी में लड़के जाते हैं इट मीन्स जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे रख रहे हैं हम प्लूरल रख रहे हैं जब जब आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे आपको ये तीन चीजें चाहिए होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट राइट ये जो वर्ब है इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है वर्ब का आना हमेशा डिसाइड कहां से होगा अपने सब्जेक्ट से होगा क्लियर ये जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट के साथ दो एग्रीमेंट करती है क्या एग्रीमेंट करती है बच्चों कि अगर तू आया तो मैं भी आऊंगी सिंपल सा एक मीनिंग है कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब हो उसका सब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट हो उसकी वर्ब ना हो जरूर आते हैं ये कई बार आप कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हो आप लिखा देखते हो सिट डाउन और आप सोच रहे हो मैम यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है यू क्योंकि ये बात आप उस बंदे को कह रहे हो जो आपके सामने है और सामने वाला हमेशा क्या होता है यू और इसका प्लूरल फॉर्म भी हमेशा क्या होता है यू क्लियर है तो इसलिए लिखा होता है यू सिट डाउन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते कारण क्या होता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमेशा होता ही यू है और यू का प्लूरल फॉर्म भी तो हमेशा यू ही होता है क्लियर तो इसीलिए हम क्या करते हैं देखो कि अगर हम लिखते हैं कहता है कि सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा एग्रीमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है और जब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगाएंगे ये एग्रीमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चेक कर लो वर्ब ऐसी आई एस लगने पे बन रही है सिंगुलर नाउन बन रहा है प्लूरल सब कोई भी सेंटेंस बनाओगे आपको क्या चाहिए होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री करके चलती है क्या एग्री करती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी क्लियर है ये हमारा एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ ठीक है आप इसको एक बार चेक कर लो लोता उत्तर की पड़ताल करके देखो कुछ वर्ब लिखो यहां पर अगर मैं एक वर्ब लिखती हूं बच्चे प्ले ये बेस फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म कहलाएगा लेकिन प्लेज सिंगुलर होगा राइट प्लूरल है लेकिन राइट सिंगुलर होगा ठीक है अगर मैं लिखती हूँ अब ये प्लूरल है लेकिन डज हमारा सिंगुलर होगा यही काम एक बार नाउन पे करके देख लो अगर मैं कहती हूं गर्ल एक लड़की प्लूरल बनाऊंगी तो क्या बनेगा गर्ल्स सिंगुलर से प्लूरल बन के आया है, है कि नहीं अगर मैं कहती हूं पेन एक पेन लेकिन पेंस बहुत सारे पेंस बॉय एक लड़का लेकिन बॉयज बहुत सारे लड़के क्लियर है वह बेस फॉर्म में प्लूरल एस लगते ही बन रही है सिंगुलर नाउन बेस फॉर्म में सिंगुलर एस लगने पे बन रहा है प्लूरल एग्रीमेंट क्या कह रहे हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा सेंटेंस बना के देखे अगर मैं कहती हूं लड़का गाना गाता है लड़का गाना गाता है देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है बॉय अब मुझे बताओ सिंग या सिंग्स सिंग्स ए सोंग अगर मैं ये कहती लड़के गाना गाते हैं मेरा सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल तो अब यहां पर सिंग या सिंग्स सिंग ए सोंग ये बात समझ आ रही है लड़की पत्र लिखती है गर् एक है बच्चों राइट ए लेटर राइट या राइट्स राइट्स ए लेटर लड़कियां पत्र लिखती हैं प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना तो वर्ब भी कैसी चाहिए होगी प्लूरल ए लेटर सीखने को क्या मिला बच्चों क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उनको एस सी आई एस का फंडा ही क्लियर नहीं होता ठीक है बहुत सारे इंग्लिश पढ़ लेते हैं बात आती है एस सी आई एस की कई बार आप एरर फाइंडिंग करते हो बच्चे आप फाइन बहुत सारे लॉजिक लगाते हो प्रपोजिशन ठीक है क्या ये ठीक है क्या फाइनली आपको पता लगता है कि एस एस यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आनी थी ये एरर हो गई ट्रस्ट में ये बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है ठीक है वहां पर क्या होता है बहुत बड़ा सेंटेंस लिख देंगे ठीक है बच्चा उस सेंटेंस को देख करके ही घबरा जाता है ठीक है फाइनली आप देखोगे तो एरर क्या मिलती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी ये एरर थी क्लियर है तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल बेसिक भी है ये और ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब अगर हम इसको ट्रिकी पार्ट में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं कुछ बच्चों को ये राम कहानी सारी याद नहीं रहती बच्चों तो एक काम करो एस हमेशा एक ही जगह लगेगा ठीक है अगर यहां पर आपने देखा कि सब्जेक्ट है सिंगुलर एस एस नहीं लग रहा ना तो वर्ब के साथ लगा दिया यहां पर हमारा लग चुका है ना आगे वर्ब के आगे नहीं लगाया बात समझ आई गर्ल यहां पर नहीं लग रहा आगे लगा दिया लग चुका है आगे नहीं लगाया क्योंकि उल्टा होता है हमेशा एस सी आई एस का मामला क्या होगा उल्टा होगा तो इससे हमें सीखने को क्या मिला जब जब हम बात कर रहे हैं वर्ब के फॉर्म्स की पुराने इंग्लिश में हमारे पास वर्ब के कितने फॉर्म थे थ्री थे अब हमने दो नए क्या बना लिए बच्चे दो डेढ़ तो है ही पढ़ चुके हो अब हमने क्या किया बच्चे इस फर्स्ट फॉर्म से इसी से हमने दो डिराइव किए हैं एक एस आई एस लगा के इसको डज बनाया है और एक आई एन जी लगा के इसको डूइंग बनाया है राइट right? कुछ बच्चे रटते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस अरे बच्चों ये लगता ही फर्स्ट फॉर्म के साथ है आपने इसको सेकंड और थर्ड से तो निकाला ही नहीं ये डिराइव हुआ है फर्स्ट फॉर्म से बेस फॉर्म से और इसीलिए सिंपली बोलो वर्ब प्लस एस एस आई आई प्लस एन जी आज आपकी इंग्लिश में वर्ब के फाइव फॉर्म्स हैं नई किताबें आपको मिलेंगी तो वहां पर आपको वर्ब की फाइव फॉर्म्स नजर आएंगे यहां तक कहानी समझ आ रही है बच्चों तो यहां पर हमने क्या देखा कि वर्ब के फाइव फॉर्म्स होते हैं अब यहां से हम एक फंडा निकाल लेंगे अपना एस सी आई एस का जो मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते रहते हैं तो कैसे करेंगे देखो एस आई एस का फंडा ऐसे क्लियर करो बच्चे आप जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे या आप स्क्रीन कर लेंगे एक बार पोस्ट करके इसको जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो आपको ये चीज चाहिए होती है ये जो वर्ब है बच्चे ये अपने सब्जेक्ट को एग्री करती है आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा या तो एक नाउन और नाउन रिपीट ना हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन ठीक है नाउन के केस में एस सी आई एस का फंडा आपने क्या देखा यहां पर आओ नाउन के साथ नहीं लगा था ना तो वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया यहाँ पर लग चुका था नाउन के साथ तो वर्ब के आगे हमने नहीं लगाया यहां तक क्लियर हुआ बच्चे एक ही जगह लगेगा क्योंकि उल्टा होता है वर्ब एस लगने पे बन रही है सिंगुलर नाउन एस लगने पे बन रहा है प्लूरल तो ऐसी आई एस तो एक ही जगह लगेगा दोनों जगह नहीं लग सकता ये समझ आई कहानी एनी नेम जितने भी होते हैं बच्चे एनी नेम राम श्याम रिया रमेश जो भी आपके नाम होते हैं वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एस या एस की अगर मैं कहूं राम खेलता है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा राम प्लेज क्योंकि राम ना तो आप और ना मैं हूं ये तीसरा पर्सन है और तीसरा पर्सन है सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब आएगी सिंगुलर यहां तक क्लियर हुआ ये नाउन का केस है प्रोनाउन के केस में देखिए अगर ये नाउन है तो बार बार नाउन तो नहीं लिखे जाने चाहिए नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे बच्चे तो हम सिर्फ लिखेंगे ही शी इट रीजन बता दो अगर मैं राम की बात कर रही हूं तो उसका प्रोनाउन क्या लिखूंगी ही ये इसी नाउन के प्रोनाउन है बच्चे अगर यहां पर सीता फीमेल होता तो क्या लिखते शी अगर यहां पर किसी कंट्री का नाम होता इंडिया तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती इट तो इसके साथ हमें किसकी जरूरत पड़ती है एसियाईएस की बाकी आपको कहीं नहीं लगाना ये बात समझ आ रही है बच्चों एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक की थ्योरी आपको समझ आई है मैंने एसियास का फंड आपको समझा दिया नाउन के केस में ये प्रोनाउन के केस में ये ठीक है एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई है ताकि मैं आगे बढ़ू ठीक है तो कमेंट नहीं आ रहे बच्चों क्या बात है हाँ जी रोहित सैनी यस ठीक है ठीक है अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो बच्चे ये जो प्रोनाउन होते हैं जैसे आप नरेशन का चैप्टर पढ़ोगे आगे जागोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सेकंड है तो हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो एक बार इसे गोथ्री हो जाते हैं जब जब आप कहीं भी बैठ के बात करते हो आपकी बातचीत में कितने लोग शामिल होते हैं जल्दी बताओ चुगलियां तो करते ही हो जब भी कहीं भी बैठ के बात करते हैं चुगली का मतलब ये कभी नहीं होता बच्चे कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं बैक बाइट मतलब आप एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हो जो आपके सामने नहीं है क्लियर है तो देखो एक बार Uh, सचिन प्रोनाउन वाला दोबारा बता दू देखो बच्चे सबसे पहले ये देखो नाउन के केस समझ आ गए आपको एक बार एग्जाम्पल से देखो एक बार आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे आपको ये चीज चाहिए होगी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वर्ब की खुद की कोई पहचान है नहीं वर्ब का आना कहां से डिसाइड होगा सब्जेक्ट से क्लियर अब एक बात बताओ ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा या तो बनता है नाउन या बनता है प्रोनाउन याद करो हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे सेंटेंस में नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ये देखिए नाउन या फिर प्रोनाउन नाउन के केस में हम ये टेक्निक लगा दें ये देखो गर्ल के आगे एस आई एस नहीं लगा था ना तो हमने वर्ब के साथ लगा दिया नाउन के आगे ना लगाओ तो वर्ब के साथ लगा दो गर्ल्स लूरल सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है नाउन के साथ लग चुका है तो वर्ब के आगे हमने नहीं लगाया ये केस याद रहेगा ये नाउन का केस है अब एनी नेम जितने भी होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं ऐसे आई एस अगर मैं बात करूं बच्चे कि एनी नेम का रिप्लेसर हमेशा क्या बनेगा आप कोई प्रस्ताव लिखते हो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड अगली लाइन में राम लिखते हो या ही लिखते हो राम लिखते हो भाई क्योंकि बार बार नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा अगर मैं मेल की बात कर रही हूं तो इसी का क्या बनाऊंगी ही फीमेल की बात होती शी कंट्री वेदर टेम्परेचर इनकी बात होती तो मैं क्या लगा देती इट कोई ऐसा बच्चा है जिसका मुझे जेंडर नहीं पता तो मैं उसको क्या बोलूंगी इट क्योंकि जेंडर पता लगते हैं या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा लेकिन जब तक जेंडर नहीं पता वेन जेंडर इज नॉट नोन वी कैन यूज इट यहां तक बात समझ आ गई हाँ जी तो मैं प्रोनाउन की बात कर रही थी बच्चे प्रोनाउन हमारे तीन होते हैं मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहां पर कि तीन परसेंट प्रोनाउन होते हैं जब भी हम कहीं भी बैठ के बातचीत करते हैं तो तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे वहां पर ठीक है तो ये तीन कौन कौन से होते हैं बच्चे अगर हम कहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं तो एक हमारा स्पीकर होगा जो बोल रहा है और स्पीकर के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो हमारे कौन से होंगे अब बच्चों इस कॉन्वर्सेशन में मैं बोल रही हूं तुम सुन रहे हो राइट अब मैं अपने लिए क्या शब्द यूज करूंगी अपने आप को मैं क्या बोलूंगी आय और अगर हम यहाँ पर ज्यादा लोग होते तो क्या बोलते वी सामने वाला यानी कि लिसनर जो मेरी बात को सुन रहा है वो हमेशा कौन होगा यू मैं बोल रही हूं तो मेरे सामने जो बैठा है उसको मैं क्या बोलूंगी जैसे हिंदी में तुम आप कहते हो तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं यू एक बंदे को भी आप कहते हो दस लोग बैठे होंगे तो भी क्या कहोगे आप इसीलिए यू का प्लूरल फॉर्म हमेशा यू होता है ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे यू इसका प्लूरल फॉर्म यू वो तीसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी बनाया था ना हमने थर्ड पर्सन तो वहां पर हम यूज करेंगे he, she, it. और इन सब का plural form होता है दे ये वो थर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब मैं बोल रही हूं तुम सुन रहे हो राइट अब ये क्लास ओवर होने के बाद आप क्या करोगे ठीक है कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो कि आज मैम ने ऐसा पढ़ाया ये डिस्कशन किया ऐसा एग्जाम्पल दिया अब आप बोल रहे हो आपके पेरेंट्स क्या हो गए सेकेंड पर्सन हो गए मैं वहां पर क्या हो गई आप मेरी बात कर रहे हो घर में मैं थर्ड पर्सन हो गई क्लियर तो मेरे लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे आप शी क्लियर है ये बात समझ आई अब देखो <clears throat> अगर हम यहां पर बात करें बच्चे क्योंकि हम एस का फंडा क्लियर करने जा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कहाँ पे एस आई एस की जरूरत पड़ेगी कहाँ पे नहीं पड़ेगी नाउन का केस हमने कर लिया ये नाउन का केस है प्रोनाउन हम कितने यूज करते हैं तीन तो एक बार प्रोनाउन की बात कर लेते हैं आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम इसी कैटेगरी में हम क्यों लगाते हैं ही शी इट तो देखो एक बार चेक कर लो वी जो होता है बच्चे ये कितने लोगों को डिनोट करता है ज्यादा लोगों को अगर मैं कहूं हम खेलते हैं तो वी प्ले बोलेंगे ना बच्चे हम खेलता है तो नहीं बोलेंगे हम खेलते हैं ठीक है तो ऐसे केस में जब हम बात करेंगे तो वी प्ले क्या एस की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी आप खेलते हो और दस लोगों को भी क्या बोलेंगे आप खेलते हो तो यू प्ले और यू प्ले एस की जरूरत ही नहीं पड़ी राइट दे कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है मैं बोल रही हूं आप मेरी बात सुन रहे हो मैंने कहा कि वो जो बाहर बैठे हैं वो बेईमान आदमी है अब यहां पर देखिए वो जो तीसरे लोग हैं और वो दो से ज्यादा की संख्या में हैं तो मुझे उनके लिए क्या शब्द यूज करना पड़ेगा क्या प्रोनाउन यूज करूंगी दे दे आर डिसोनेस्ट, दे आर आर वर्ब हम यूज़ करेंगे तो अगर मैं कहूँ कि वे खेलते हैं तो वी दे प्ले प्लेज तो नहीं कर सकती थी ना बच्चे या कहानी समझ आ रही है अब ये है ही शी इट क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी प्लेज एसिया ई एस की यही कैटेगरी मैंने आपको लिखवाई थी वहां पर अब क्वेश्चन ये बच सकता है कि आय के साथ हम प्लूरल क्यों लगाते हैं ठीक है तो ये देखिए बच्चे लैंग्वेज की अगर हम बात करें बच्चे रजिस्टर्ड जो लैंग्वेज होती है वो ट्वेंटी टू है हमारे बाकी क्या चलते हैं क्या सारे लोग लैंग्वेज ही बोलते हैं आप हरियाणवी बोलते हो हरियाणवी बोलते हो तो आप क्या बोल रहे हो एक बोली बोल रहे हो ये रीजनल है ये लैंग्वेज नहीं है बच्चे क्योंकि लैंग्वेज अगर होता तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते और जिस हरियाणवी को आप बोल रहे हो उसको आप लिख नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रामर नहीं है राइट right? तो हर रीजन की अपनी एक भाषा होती है जिसको हम बोली का नाम देते हैं इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो डायलेक्ट बोलते हैं डायलेक्ट का मतलब होता है हर रीजन का जिसमें एक टोन होता है जैसे हरियाणा वाले कहीं भी चले जाओ कोई भी देख के बता देगा ये हरियाणा से है, है कि नहीं राजस्थानी कहीं भी जाएंगे दो मिनट बात करेंगे अगला कहेगा जी राजस्थान से हो ठीक है ना ऐसे ही सारी तरीके से चलता है तो मीनिंग हमारा क्या है बच्चे डायलेक्ट का मतलब ये होता है अपने यहाँ पर एक बंदे के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया जाता है मैं क्या बोला जाता है मैं बोला जाता है ना आई इंग्लिश बना लेते हैं उसकी आप एक बार यूपी बिहार की तरफ चले जाओ ना वहां पर मैं शब्द का यूज ही नहीं होता बच्चों को मैं शब्द सिखाया ही नहीं जाता वहां पर हम शब्द का यूज करते हैं एक बंदे के लिए भी वो हम शब्द का यूज करते हैं जैसे वो कहेंगे हम कल बीमार थी हम कल नहीं आएंगी ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज का डायलेक्ट है तो ठीक वैसे ही अंग्रेजों के लिए आय जो शब्द है वो प्लूरल वर्ब को लेता है जैसे कि वहां पर मैं का हम बोलते हैं ठीक वैसे ही हर लैंग्वेज का अपना एक डायलेक्ट होता है तो डायलेक्ट के हिसाब से वो क्या करते हैं प्रेजेंट टेंस में आय हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लुरल वर्ब लेता है पास्ट में क्यों नहीं लेता उसका भी मैं रीजन बताऊंगी आपको ठीक है पास्ट में जब हम बात करेंगे तो वाज और वर में आई जो होता है वो वाज को उठाता है रीजन इज वर लगा देने से इमेजिनेशन के केस बन जाते हैं इमेजिनेशन का क्या मतलब है बच्चे इमेजिनेशन आप दो ही टेंस में कर सकते हो या तो आप पास्ट में करोगे या फ्यूचर में करोगे प्रेजेंट में आप जैसे भी हो जी रहे हो ठीक है या तो आप ये कहोगे काश मैं ये होता या काश मैं बन पाऊं इमेजिनेशन तो ऐसे ही होंगी तो इमेजिनेशन के केस में ओल्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आपको वर का यूज करना पड़ता है जैसे आप बोलोगे इफ ही वर ए डॉक्टर तो इसका मतलब होगा कि काश वो एक डॉक्टर होता बात समझ आ रही है तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो तो अंग्रेज क्या करते हैं आई को हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं आप इस आय को पैराग्राफ के शुरू में देखो लास्ट में देखो बीच में देखो आय हमेशा कैपिटल लिखा जाता है तो ये भी तो एक अलग बात हुई ना अदरवाइज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों जिस लेटर से, से सेंटेंस की शुरुआत होती है उसको हम कैपिटल लिखते हैं लेकिन आय जहां भी आए हमेशा कैपिटल लिखा जाता है क्लियर है तो हमें सीखने को क्या मिल गया बच्चे कि आय के साथ हम क्या लिखेंगे प्ले आय प्लेज कभी होगा ही नहीं क्लियर है तो अब ये कैटेगरी मैंने आपको वहां लिखवाई है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें जरूरत पड़ती है एस या एस की अब आपको मेरी बात समझ आ रही है ठीक है क्योंकि बाकी सबके साथ तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्लियर अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एस कब लगाते हैं ई एस कब लगाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक बातें चल रही है हमारी तो एस या ई एस कब लगाते हैं सबसे पहली बात हमने सीख ली क्या बनाने के लिए सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए नाउन को प्लूरल बनाने के लिए मेरी बात पे जरा गौर करेंगे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस की जरूरत पड़ती है नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्योंकि हमेशा इसका उल्टा होता है ठीक है तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एस क्यू लगाए ई एस क्यू लगाए दिस इज द क्वेश्चन ठीक है तो बच्चों वो सारे शब्द जिनके पीछे एस आ जाए या फिर डबल एस आ जाए या फिर ch आ जाए या फिर एस एच आ जाए या फिर एक्स आ जाए या फिर जेड आ जाए अगर ये इन पे खत्म होंगे, चाहे वो वर्ब है चाहे वो नाउन है तो हमें जरूरत पड़ती है ई एस की क्लियर हुआ इनके अलावा अगर कुछ है तो एस लगा देना चेक कर लो एक बार अगर मैं ये कहती हूं बच्चे क्लास नाउन है एक क्लास नाउन प्लूरल बनेगा एस आई एस लगने से तो क्लासेस बनेगा और क्लासेस अगर बनेगा बच्चे तो ये देखिए ई yes. एस क्यों ई yes एस लगा क्योंकि ये डबल एस पे खत्म हो रहा था राइट right? अगर मैं ये बोलू बैच तो प्लूरल क्या बनेगा बैचिज ई एस लगा दो कहानी समझ आ रही है लेकिन अगर मैं बोलू गर्ल तो प्लूरल किससे बनेगा सिर्फ से बनेगा गर्ल्स बात समझ आ रही है बच्चों को ठीक है अगर मैं बात करूं के ये केस है, जैसे एक और समझ लो बॉक्स तो क्लियर है तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि एस या एसियास का इंग्लिश में यूज होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्लियर है और यही आपका यूज बनेगा एस या एसियाईएस का फंडा ठीक है तो क्या अब आपको जब आप एडिटिंग करोगे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाओगे इंटेरोगेटिव बनाओगे तो एक बार और देख लो आपकी डू हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की तो देखो डू कहाँ कहाँ पे यूज होएगा जब यहाँ पर प्ले है एस आई एस लगाना ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा क्या होगी डू वी के साथ भी हमेशा क्या होगी डू यू के साथ भी डू यहां पर भी डू डे के साथ भी आप डू यूज करोगे डज सिर्फ कहाँ बनेगा जहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जहां पर आपने प्लेज लिखा है वहीं पे डज बनेगा ठीक है स्टमक uh, के uh, को के साथ एस क्यू लगता है बच्चे रीजन सुन लो ये हमारी ना सुनो ध्यान से इंग्लिश में लेटर्स तो ट्वेंटी सिक्स होते हैं लेकिन ये साउंड फोर्टी फोर देते हैं बच्चे इस बात से क्या शिक्षा मिली कि भाई लेटर्स तो 26 हैं और ये साउंड 44 दे रहे हैं तो एक लेटर जो होगा वो एक से ज्यादा साउंड देता है तभी 44 बनेंगे मानते हो ना जब आप स्टमक शब्द लिखते हो स्टमक बोलेंगे इसको चे नहीं बोल सकते बच्चे अगर सी एच में चे का साउंड आएगा जैसे कि बैच याद करो ये येरा बैच जब ये सी एच में चे का साउंड देता है तभी हम इसके आगे ई एस लगाते हैं ठीक है, बोलेंगे इसको क साउंड है ये और अगर कै का साउंड है तो सिर्फ एस लगेगा ये नाउन में समझाने वाली हूं मैं आपको सारा ठीक है साहिल अगर बैच में सी एच चे का साउंड दे रहा है तभी हम ई एस लगाएंगे ओके अगर ये कह का साउंड दे रहा है जैसे आप बोलोगे मोनार्क ठीक है जैसे कि आर्क का मतलब होता है शासन मोनार्क एच है ना बच्चों कै का साउंड दे रहा है प्लूरल बनेगा तो सिर्फ एस से बनेगा ये क्वेश्चन है आपका ठीक है नाउन में डिटेल से पढ़ाने वाले हूँ बच्चे डोंट वरी बहुत तरीके हैं हमारे पास प्लूरल बनाने के ठीक है इन साइड वोवल चेंज होते हैं बहुत सारी बातें हैं ठीक है क्लियर है इतना तो मैं मानू कि ए सी आई एस का फंडा क्लियर हो गया ठीक है हाँ मैंने यही लिखा है बच्चे मोनार्क ये देखो ये रहा Plural बनाएंगे तो एस लगेगा क्योंकि सी एच जो साउंड है वो कै का है ना कि चे का ठीक है इसीलिए पूरा डिटेल से पढ़ेंगे नाउन के चैप्टर में अभी जो हम बेसिक कर रहे हैं ना बच्चे तो समझ लो कि एस सी आई एस का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं और ये कहलाता है बच्चे वर्ब के फॉर्म्स ठीक है एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बता दो कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है और उसके बाद अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स बोलते ही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए क्लिक करना चाहिए फटाफट कि मैं वर्ब को काम में लेने का तरीका हमारे सामने सर्टेन कोई भी वर्ब आती है तो हम उसको पांच तरीके से यूज करते हैं और ये पांच हमारे क्या कहलाते हैं फोर्म्स कहलाते हैं तीन हमारे पास थे ही हमने दो और बना लिए एस सी आई एस फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म जब तक किसी काम को मुंह के बोलने के टाइम तक चलता हुआ दिखाना है तो हम आईएनजी लगा देंगे ठीक है जी क्लियर हुआ यहां तक अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब जब हम टाइप्स की बात करते हैं बच्चे तो वर्ब हैज टू टाइप्स वर्ब के टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज मेन वर्ब सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब का किसी बुक में आपको ये नाम मिल सकता है ओग्जिलरी हिंदी में मतलब होता है सहायक क्रिया ठीक है मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही कुछ बच्चे कमेंट करके सही बता रहे अरे कमल आपको ही नहीं मिल रही क्या स्क्रीन चल रहा है बच्चे सब कुछ अच्छे से हम्म रिफ्रेश कर लो बच्चे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ठीक है लाइव स्ट्रीम चल रही है ना तो थोड़ी हो सकता है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो ठीक है हाँ जी अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है वट इज मेन वर्व एंड वाई वी कॉल इट मेन व्हाट इज द रीजन ये नाम हमने क्यों दे दिया इसको कि ये मेन वर्ब है मेन का वर्ड मीनिंग क्या होता है मुख्य क्रिया है ना बात समझ आई मुख्य क्रिया अब मुख्य क्रिया का क्या मतलब है बच्चे अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो पहली क्लास वाले सारी चीजें अब काम आनी शुरू हो जाएंगी आपके आप कोई सेंटेंस बनाते हो इस तरीके से लिखते हो क्या इस वर्ब के बिना सेंटेंस बन सकता है क्या बताओ एक बार क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बना सकते हो छोटे से छोटा बना सकते हो ना जैसे मैंने बोला आई टीच ठीक है लेकिन क्या वर्ब के बिना सेंटेंस बन सकता है आप सिर्फ वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हो जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है आप उसमें सब्जेक्ट लिखते नहीं हो बोलते नहीं हो लेकिन आप क्या बोलते हो कम हेयर सिट डाउन लेकिन सब्जेक्ट होता तो है वहां पर Clear है? <laughs> रोहित कह रहा है कि मैम बहुत अच्छे से समझ आ रहा है प्लीज क्लासेस कंटिन्यू रखना जरूर रखेंगे बच्चे ठीक है आप एक बार समझते चलिए चीजों को मैं मेरे हिसाब से जितना भी हो पा रहा है मैं छोटे से छोटी बातें भी बता रही हूँ चाहे आप पूछ रहे हो चाहे नहीं पूछ रहे हो बच्चे ऑफलाइन बैच में तो क्या होता है बच्चा सीधा पूछ लेता है ठीक है लेकिन ना भी पूछे तो भी मेरा बताना फर्ज है ठीक है अब मुझे पता था आप नहीं पूछोगे एस कब लगाते ई एस कब लगाते लेकिन मैंने तो बताया ना क्योंकि मुझे पता है बच्चों को किस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है और जब भी मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चे के लेवल से पढ़ाती हूँ मेरा लेवल नहीं दिखाती मैं पहले दिन किसी दिन समझ रहे हो तो आप बस एक बार साथ साथ चलते रहें ठीक है तो ये वो वह अगर हमारी है बच्चे जैसे मैं ये बोलू आई स्पीक इंग्लिश एक बार इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग कर दो बच्चे जो पहली क्लास में आपने पढ़े हैं Who speak, I, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ स्पीक क्या हो गया वर्ब आई स्पीक रिजल्ट क्या है मेरे बोलने का इंग्लिश तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ तक समझ आया अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे इस स्पीक को ही हटा लू क्या ये सेंटेंस बन सकता है बस यही तो है हमारी मेन वर्ब क्या नाम दिया हमने इसको मेन वर्ब नाम दिया क्यों क्योंकि ये मुख्य क्रिया है जिसके हटाने से सेंटेंस नहीं बनेगा ये हमारे पापा जी हैं ठीक है थीके? पापा जी के बिना घर पे काम नहीं चलता ना अगर सेंटेंस में इसको हटा लोगे सेंटेंस नहीं बनेगा क्लियर है जी अगर मैं बात करूं बच्चे इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं इंग्लिश बोलती हूं लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख देती यहां पर आई कैन स्पीक इंग्लिश या फिर मैं लिख दू आई शुड स्पीक इंग्लिश इन सेंटेंसेज में देखिए बच्चे मैंने यहां पर दो वर्ब यूज कर दी है कैन और स्पीक शुड और स्पीक एक बार उत्तर की पड़ताल करो कौन सी मेन वर्ब है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है अगर मैं कैन को हटा लू मैथ की तरह उत्तर की पड़ताल करो अगर मैं कैन को हटा लू क्या सेंटेंस बन सकता है चेक करो आई स्पीक इंग्लिश बन रहा है तो फिर कैन ने आकर के क्या काम कर दिया बच्चों स्पीक से पहले आकर के इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया घर तो पापा जी चला ही लेते हैं बेटा बड़ा होकर के नौकरी करके क्या करता है घर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ता है वो अपने पापा की मदद करता है है कि नहीं तो अगर मैं यहाँ पर देखू बच्चे तो कैन ने स्पीक से पहले आकर के इसकी मदद की है और जिससे सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ा एक नई चीज जुड़ गई इसमें क्या जुड़ी कैपेसिटी राइट इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ रूटीन एक्शन है मेरा रोज इंग्लिश बोलती हूं लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है मैं इंग्लिश बोल सकती हूं मेरे अंदर एक खास कैपेसिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ क्लियर तो एक बार देखेंगे कैन हमारा क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब स्पीक हमारा क्या हुआ मेन वर्ब पहचान कर लोगे नेक्स्ट सेंटेंस आई शुड स्पीक इंग्लिश अगर मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए राइट तो स्पीक हमारी क्या हुई एक बार शुद्ध को छुपा के देखो आई स्पीक इंग्लिश बन सकता है ना सेंटेंस अगर सेंटेंस बन सकता है तो ओब्वियसली ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी क्या हुई मेन वर्ब क्या काम कर दिया एक सजेशन का भाव दे दिया कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए राइट तो आपको एक मोटा डिफरेंस समझ आया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में मेन वो है जो सेंटेंस को बनाती है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता हेल्पिंग वो है जो मेन वर्ब की मदद करती है सेंटेंस को और ज्यादा एम्फेटिक बनाने में एम्फेटिक का मतलब होता है प्रभावशाली यानी कि एम्फेसाइज डाल करके जो आप बनाते हो कुछ नया जोड़ना क्लियर है दूसरे शब्दों में अगर मैं देखूं इसको जो फनी वे में आपको बता रही थी कि ये हमारे पापा जी के बराबर है तो ये हमारी क्या है हेल्पिंग वो बेटे के बराबर है बेटा पापा के साथ मिलकर के कुछ नया जोड़ता है क्लियर एडिट करता है सेंटेंस को क्लियर है ऐसा तो नहीं बचे कि आप पूरी लाइफ यही बोल दोगे कि आई स्पीक इंग्लिश कोई मोमेंट ऐसा भी हो सकता है जब आप बोल रहे हो कोई कहेगा मैं दस साल से इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि हर सिचुएशन का जवाब सिर्फ मेन वर्ब नहीं दे सकती मेन वर्ब का एक ही फंक्शन है कि ये सेंटेंस को बनाती है राइट right? एडिटिंग आप जितनी भी करोगे अब इस एडिटिंग से मेरा क्या मतलब है आप किसी बने हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हो जरूरत के हिसाब से ठीक है अगर आपको कोई आके कहे जी जुआ खेलते हो और अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता यस आई आई बोल दोगे ना लेकिन आपको नेगेटिव भी तो जरूरत के हिसाब से बोलना पड़ेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा आई डू नॉट गैम्बल मैं जुआ नहीं खेलता क्लियर तो ऐसे आप इसको रिलेट करोगे तो जरूरत के हिसाब से आपको नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा और अगर आपके सामने कोई बंदा आ गया अगर आप जुआ खेलते हो इनकेस तो कोई दोस्त आएगा उससे जरूर पूछोगे भैया आप भी खेलते हो क्योंकि कहते हैं ना एक जैसे बंदे एक दूसरों को ढूंढ ही लेते हैं आखिर है ना अब आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो डू यू गैम्बल डू यू गैम्बल मतलब क्वेश्चन कर रहे हो आप तो आप क्या बोल रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो कई बार आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ती है किसी काम में चल रहा है कभी हमें परफेक्शन दिखाना पड़ता है कि काम पूरा हो गया है परफेक्शन है और ये सब जब आप कर रहे हो ना बच्चे ये बिना हेल्पिंग वर्ब के पॉसिबल नहीं है ठीक है मेन वर्ब तो एक ही काम करती है क्या करती है सेंटेंस बना के छोड़ देती है ठीक है हेल्पिंग वर्ब वी है जो ये सारी एडिटिंग करती है कि नेगेटिव बनाना इंटेरोगेटिव बनाना कई बार वॉइस चेंज करना कई बार नरेशन चेंज करते हैं हम तो ये बदलाव जितने भी होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब करती है और क्योंकि तुम आजकल के बच्चे हो ना तो आपके हिसाब से समझाती हूं अभी मैं ठीक है फोन में एक कैमरा लगा होता है ना अगर आपको कोई फोटो खींचनी है किससे खींचोगे फोन में लगे कैमरे से नोकिया में तो नहीं खींच सकते ना वो जो एक पुराना सा बटन वाला फोन आता था उसमें फोटो नहीं खींचती थी राइट तो फोन में जो लगा कैमरा है, है तो फोटो हम किससे खींचते हैं कैमरे से अब हम क्या करते हैं इस कैमरे से फोटो खींची हमने और हम एक एप्लीकेशन रखते हैं ब्यूटी प्लस कैंडी कैम पता नहीं क्या क्या चल रहा है, है ना अब ये जो एप्लीकेशन है इस कैमरे से फोटो जो खींची हमने उसमें क्या करता है ये एडिटिंग करता है असली फोटो तो आधार कार्ड में है ही है ना ये जो डिप्पी लगाते हो ना ये मैं सब समझती हूँ ब्यूटी प्लस से बनाई गई है है ना आपने जितनी भी एडिटिंग करी वो किसकी मदद से करी ब्यूटी प्लस से तो ब्यूटी प्लस इज इक्वल टू हेल्पिंग ये आपकी लैंग्वेज का आंसर है ठीक है ब्यूटी प्लस बंद हो गया क्या बड़ा दुख हो रहा है आपको हाँ <laughs> क्योंकि अब रिश्ते वाले फोटो मांगेंगे और आप सुंदर फोटो बना के नहीं दे सकते हो गई ना प्रॉब्लम हम्म तो फोन में जो लगा कैमरा है वो इज इक्वल टू क्या है मेन वर्ब है और एडिटिंग जिससे पॉसिबल हो पा रही है वो हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो क्योंकि तो जितना ज्यादा रिलेट करोगे ना वो चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी ठीक है जैसे एक बार एक स्टूडेंट था मैंने क्लास में ऐसे पढ़ा दिया और मैं क्लास में गई तो वो बच्चा सेल्फी ले रहा था इनका क्या कर रहा है बोला मैं मेन वर्ब यूज कर रहा हूं ठीक है तो माइंड में कुछ ऐसी आपके पिक्चर बननी चाहिए ताकि वो आपको याद हो जाए दूसरा जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है मेन वर्ब के हमेशा फाइव फॉर्म्स होते हैं ये जो फाइव फॉर्म्स हमने बनाना सीखा ना इससे जस्ट पहले ये हमेशा मेन वर्ब के बनेंगे ठीक है जैसे आपके सामने कोई वर्ब आती है राइट रोट रिटर्न पिन फॉर्म तो बनाई दी हमने और नया क्या सीख लिया आज हमने राइट्स और राइटिंग ये फाइव फॉर्म्स आप मेन वर्ब के बना पाओगे हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ और सिर्फ टू फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म भाई या तो मेरे अंदर आज एक कैपेसिटी है वो क्या है कैन है अगर मैं कहूं पहले मैं ये काम कर सकती थी दैट विल बी गुड ठीक है विल अगर बोल रहे हो पास्ट क्या बना दोगे वुड ठीक ऐसे ही मे पास्ट क्या बना दोगे माइट इस तरीके से आप इसको सिर्फ टू फॉर्म्स में यूज करोगे इसके कभी भी फाइव फॉर्म्स नहीं होते क्लियर यहां तक कहानी समझ आ रही है बच्चों ठीक है तो ये देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब में जब हमने डिस्कस किया तो वर्ब हमारी टू टाइप की हो गई थी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वो जो सेंटेंस को बनाती है हेल्पिंग वर्ब वो जो मदद करती है मेन वर्ब की और इससे सेंटेंस में क्या की जाती है एडिटिंग की जाती है एडिटिंग का हमारा सिंपल मतलब था किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना इंटेरोगेटिव बनाना वॉइस चेंज करना नरेशन चेंज करना कॉन्टिन्यूटी दिखाना या परफेक्शन दिखाना ये एडिटिंग होती है और एडिटिंग हमेशा पॉसिबल होती है हेल्पिंग वर्ब की मदद से राइट मेन वर्ब के हमेशा फाइव फॉर्म्स होते हैं जबकि हेल्पिंग वर्ब के टू फॉर्म्स होते हैं यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बार कमेंट करके बता दो अगर इसमें से कुछ रिपीट करना है तो एक बार चेक कर लो ठीक है ये मेन वर्ब है बच्चे ये आगे चल करके मेन वर्ब आगे चल करके टू टाइप्स की होती है बच्चे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है कल की जो क्लास होगी बच्चे थ्यूरी की वो हमारी यहां से शुरू होगी मेन वर्ब के आगे चल करके टू टाइप है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फाइनाइट की थ्यूरी पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट की पढ़ेंगे मतलब इससे आगे का हम कल की क्लास में करेंगे तो थ्यूरी में आपका अब तक का क्लियर है बच्चों जितना हमने डिस्कस किया क्लियर है मैम क्लियर है मैम ठीक है ठीक है जी अब हम थोड़े से वर्ड पढ़ लेते हैं बच्चे कि कैसे आपको वोकेबलरी याद करनी है कुछ बच्चों को बड़ी जल्दी लगी पड़ी है कि मैम पता नहीं वकेब कराएंगे कि नहीं कराएंगे है ना तो अभी हम क्या करते हैं सर एक बार स्क्रीन दिखा दो स्लाइड दे दो स्लाइड वन हां जी तो इसमें हम क्या करेंगे वर्ड्स देखेंगे बच्चे कि आपको कैसे वर्ड याद करने हैं और उसी के साथ में सिनोनिम भी बना लेंगे एंटोनिम भी बना लेंगे ठीक है कुछ प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी कर लेंगे ठीक है जी हाँ कुछ एक को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैम पता नहीं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगी ठीक है अगर आपको कोई वर्ड आ रहा होगा तो आपको क्या करना है उसको रिवाइज कर लेना है ठीक है अगर आपके लिए वो नया वर्ड है तो अपना नोट कर लेंगे ठीक है तो स्क्रीन पे आपको भी सबसे पहले एक वर्ड दिख रहा है बच्चे गैरुलस दिख रहा है सभी को गैरुलस वर्ड दिख रहा है सभी को कितने बच्चों को इसका मीनिंग पता है एक बार पिक्चर देख के बताओ कि ये क्या पिक्चर क्या बता रही है आपको डेटिंग चल रही है ये दोनों मेल है या फीमेल है पहले ये तो देख लो है पिक्चर के हिसाब से आप क्या आइडिया ले सकते हैं बताइए जी ये जो दोनों बंदी बैठी हैं ये आपस में बहुत सारी बातें कर रही हैं है ना और एक ऐसा बंदा या बंदी जो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहे नॉन स्टॉप चलता रहे ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं गैरुलस क्लियर है और आपको पता ही है फीमेल कुछ ज्यादा ही बोलती है है ना <laughs> तो अगर आपके एग्जाम में एक लाइन लिखी आ जाए बच्चे देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये पेपर में कैसे पूछा जाता है राइट तो अगर यहाँ पर एक लिखा होता कि अ पर्सन ये आपके बच्चों वन वर्ड में भी काम आएंगे सिनोनीम एंटोनीम्स में भी काम आएंगे अ पर्सन हु स्पीक्स टू मच एक ऐसा बंदा जो टू मच लिखा है बच्चे टू का मतलब है जरूरत से ज्यादा यानी कि जरूरत से ज्यादा बोलता है अ पर्सन हु इज इन दैबिट ऑफ कॉन्टिन्यूअसली स्पीकिंग ठीक है बहुत ज्यादा जो बोले तो दैट इज गैरुलस पिक्चर से समझ आ गया आपको देखो इस पे क्या लिखा है गिवन टू एक्सेसिव एंड ओफन ट्रीवियल और रैम्बलिंग टॉक टायर समली यानी कि एक ऐसा बंदा या बंदी जो बिना थके लगातार बोलता रहता है तो पिक्चर से आपको कहानी समझ आ गई अब हम इसके बनाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम ठीक है कि आप इससे रिलेटेड और क्या शब्द यूज कर सकते हो ये तो हमारा एक वर्ड हो गया ना गैरुलस ठीक है अब इससे रिलेटेड और शब्द आप क्या क्या बना सकते हो तो वो नोट करेंगे स्लाइड नंबर टू ठीक है किसी दिन मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत सारे वर्ड इसके बताए थे बच्चे जैसे देखो अभी मैं एक बार बोर्ड पे बताती हूँ एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोले चैटी बोल सकते हैं इसी बंदे को हम कहते हैं चैटर बॉक्स ठीक है इसी बंदे को या बंदी को हम कहते हैं वॉल्यूबल बस बोलता रहेगा ये वोल्यूबल ठीक है इसी बंदे को हम कहते हैं लोकेशियस रूट में समझाऊंगे किसी दिन आपको इसमें लोका वर्ड है बच्चे और लोका का मतलब होता है टू स्पीक बोलना और ओयूएस लगाने से बनते हैं एड्जेक्टिव ओयूएस जैसे डेंजर का तुम क्या बनाते हो डेंजरस बनाते हो ना अब आपके सामने एक स्लाइड आई है चेक करो सबसे पहला वर्ड है टोकेटिव चैटरबॉक्स चैटी रैम्बलिंग voluble, glib, loquacious और लॉन्ग वाइंडेड ये शब्द आप यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम बनाने के लिए क्लियर है तो ऐसे आप इसको रिलेट करोगे और ये जो अभी स्क्रीन आ रही है ना इसको स्क्रीनशॉट कर लो ताकि लिखने में टाइम ना लगे क्योंकि अगर आप लिखने बैठोगे ना तो फिर हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्लियर है अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा बनाते हैं ठीक है मैं लिखने पे फोकस मत करो बच्चे इसीलिए ये स्लाइड है क्योंकि लिखने में तुम बहुत टाइम लगा देते हो स्क्रीनशॉट कर लो इसको सर नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इसी शब्द के एंटोनिम्स बना लेते हैं देखो हमारी कहानी क्या चल रही है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है हमने उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज करे अब एक ऐसा भी तो बंदा होता होगा जो बहुत कम बोलता है होता है ना सारे एक जैसे तो नहीं होते तो वहां पर हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसी के बनाओ उल्टे ऐसे बंदे को हम रिजर्व कहते हैं जो अपने आप में ही बस रहता है मतलब बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं करता ऐसे बंदे को हम टेसी कहते हैं देखो एक बार शब्द क्या क्या आ गए आपकी स्क्रीन पे <coughs> सबसे पहला शब्द हमें दिख रहा है क्वाइट जो बिल्कुल शांत रहता है अनकम्युनिकेटिव बच्चों कम्युनिकेटिव कौन सा होगा जो बातचीत करता है शेयरिंग करता है अन लगने से क्या बनता है नेगेटिव प्रीफिक्स बनता है अनकम्युनिकेटिव का मतलब है जो बातचीत ज्यादा नहीं करता राइट right? काम जो बिल्कुल शांत रहता है टाइट लिप्ट जिसके हमेशा लिप टाइट रहते हैं क्या ऐसा बंदा बोलेगा नहीं बोलेगा तो टाइट लिप्ट टेसिटर्न बहुत ही कम बोलने वाला रेटिसेंट हिंदी में कहते हैं गैर मिलनसार मतलब जो बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों में राइट आफ्टर दैट आर है जो है बिल्कुल ही थोड़ा बोलता है जो टर्स भी सेम है भी यही है और रिजर्व भी यही है तो आप यहां से स्क्रीन करेंगे आपके पास गैरुलस की एक पिक्चर आई आपने पिक्चर से रिलेट किया उसको आपने साथ में आठ सात वर्ड क्या बनाए सिनोनिम्स बनाए साथ में या आपने एंटोनिम्स बना दिए क्लियर है जी आगे बढ़ू लिखने में टाइम वेस्ट ना करें नहीं तो हमारी स्लाइड्स नहीं हो पाएंगी ठीक है सर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे अभी ठीक है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द बच्चे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये आते ही आते हैं गैरुलस टोकेटिव उल्टे बनाओगे तो टेसिटर्न ठीक है तो आप एक स्लाइड से इतने सारे शब्द याद कर रहे हो ठीक है कोई शब्द समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा है बच्चे साउंड देखो इसकी डी ए बी जो लिखा है बच्चे ये डार्क लिखा हुआ है इसका मतलब इसके ऊपर आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है एस आर जो लिखा है ये लाइट है इसका मतलब आपको ये कम बोलना है डेबस्टर ठीक है और मीनिंग क्या है इसका देखो एन एक्सपर्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने काम में जीनियस है एक्सपर्ट है उसको आप बोल सकते हो चलो जी सिनोनिम देख लेते हैं सर नेक्स्ट <coughs> आपके माइंड में कुछ चल रहा है क्या क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो इसके लिए देखो एक ऐसा बंदा एक ऐसा बंदा जो अपने काम में एक्सपर्ट है और एक ऐसा बंदा होता है जिसको कुछ नहीं पता अपने बिजनेस का जो बिल्कुल नया होता है ठीक है तो क्या क्या शब्द हम यूज कर सकते हैं चेक करते हैं अभी ठीक है आपके माइंड में कोई वर्ड चल रहा हो तो बताओ चलो जी चेक कर लो स्लाइड आ चुकी है सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है एक्सपर्ट जो उसमें गिवन था सेकंड वर्ड आप बोलेंगे ट्रेंड जिसने ट्रेनिंग ले ली है तो ट्रेनिंग लेने के बाद आप क्या बन जाते हो एक्सपीरियंस बन जाते हो क्लियर थर्ड वर्ड है एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट आ रहा है बच्चे स्किल्ड जो काफी स्किल्ड है वेटरन पढ़ चुके हो मास्टर एड्रॉइड कैसे याद रखोगे एड्रॉइड को एंड्रॉइड फोन रखने वाले क्या होते हैं मास्टर होते हैं काफी टेक्नोलॉजी उनको आ चुकी होती है दैट इज एड्रॉइड नेक्स्ट एक वर्ड लिखा है बच्चे ई पी टी ध्यान देंगे बच्चे एक बार बोर्ड पे देखेंगे एक शब्द हमारा होता है एडोप्टिखेगा यहां से ये सिमिलर वर्ड है इसीलिए समझा रही हूं एक होता है ए डी ए पी टी और एक शब्द हमारा है ए ई पी टी जिसकी मैंने यहाँ पर जिसको मेंशन किया है एडोप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना किसी चीज को अपना लेना ठीक है दिख नहीं रहा यहां से हम्म एडोप्ट

काम धंधे में बिल्कुल स्किल्ड है जो राइट Adapt होता है माहौल के हिसाब से ढल जाना ए डी ए पी टी जैसे टेक्नोलॉजी में भी काफी यूज करते हो तुम ये है अपना लेना अडोप्ट कर लेना ठीक है जी यहाँ तक क्लियर हुआ आगे का वर्ड दिख रहा है प्रोमिनेंट है जो पंडित बच्चों जो एक पुराने टाइम में हम पंडित किसको कहते थे जिसको कुछ चीजों का ये जो मंत्र वंत्र होते थे विद्या का ज्ञान होता था ठीक है अब ये इंग्लिश डिक्शनरी में ये शब्द ऐड हो गया है पंडित एज इट इज पी यू डी आई टी ठीक है, है वर्ड तो बन सकते हैं जो वर्ड हमने चूज किया था डेबस्टर क्लियर है तो आप यहां से स्क्रीन शॉट नेक्स्ट अब हम इसके एंटोनिम करेंगे बच्चे तो देखो आप ना रटा मत किया करो वर्ड्स को ये हमें क्या बता रहा था जो अपने काम धंधे में बिल्कुल क्या है एक्सपर्ट है उल्टा बना दो ना जो काम धंधे में क्या है बिल्कुल नया नया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे सबसे पहला वर्ड होता है टायरो कैसे बोलते हैं इसको याद करो ट्राई करो ट्राई करो एक नए बंदे को ये बात बोल सकते हो ना आपकी भाई ट्राई करो ट्राई करो आपको आ जाएगा ये या एक्सपर्ट को भी बोल दोगे नहीं ना तो सबसे पहला शब्द हमारा क्या होता है टायरो नेक्स्ट वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नियोफाइट बिल्कुल जो नया है नो सीखिया है नोविस अगेन सिमिलर बिगिनर जिसने अभी काम धंधे को अपना शुरू किया है फ्रेशर भी वही होता है ग्रीन होर्न जिसके सींग अभी हरे हैं तो इस इसका मतलब क्या हुआ जो अपने काम धंधे में बिल्कुल नया नया है राइट right? इनकॉम्पिटेंट अगर कोई पर्सन अपने काम धंधे में नया नया है तो क्या वो कॉम्पिटेंट होगा मार्केट में नहीं ना तो बिगिनर को हम क्या कह सकते हैं इनकोम्पिटेंट है जो आफ्टर दैट वर्ड दिख रहा है अप्रेंटिस ठीक है जो सीख रहा है काम और अनप्रोफेशनल जो कि अभी अनप्रोफेशनल है जब वो दक्ष हो जाएगा तो वो प्रोफेशनल बन जाएगा क्लियर है बच्चों तो यहां तक की स्लाइड आपको समझ आ चुकी है सर नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे डेवस्टर एक वर्ड उसके सिनोनिम साथ में उसके एंटोनिम एक वर्ड में कम से कम आपको 10 से 12 वर्ड याद करने हैं रिलेट करके ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड जब तक इन वर्ड्स में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो जो भी वर्ड्स करवा रही हूं एज इट इज आपको पुराने पेपर्स में मिलेंगे ये जी पिक्चर देख के बताइए क्या कर रहा है ये समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लेजेंड सिचुएशन बच्चों जब जब हमारे सामने कुछ होता है कि भाई कुछ खतरा मंडरा रहा है तो हम क्या करते हैं उसके अगेंस्ट तैयारी करके रखते हैं राइट हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं है कि नहीं अब जैसे कोरोना फैल रहा है तो हम उसके प्रति भी क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखते हैं पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक पर्सन उस अपने को बचाने के लिए दीवार के पीछे है है कि नहीं तो दीवार उसके लिए क्या बन जाएगी जब भी उसके ऊपर कोई खतरा आएगा तो वो दीवार के पीछे छुप जाएगा तो जो दीवार है वो उसका क्या है सेफ गार्ड है उसको बचा रही है वो तो कोई ऐसी चीज जो आपको बचाती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है राइट right? जैसे आपने पुरानी कहानियों में पढ़ा होगा कि किले होते थे राजाओं के बहुत बड़े बड़े किले फोर्ट होते थे तो फोर्ट के चारों तरफ वो दीवार खींच देते थे बच्चे और इसको बोलते थे फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन ठीक है इसी तरीके से हम एक वर्ड बोल सकते हैं रैमपर्ट ये भी वही चीज है चार दीवारी टाइप बना देना बचने के लिए सिक्योरिटी ये चीज है सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दो तो अब आपको पिक्चर से समझ आ गया कि कोई भी चीज जो क्या कर रही है आपको बचा रही है प्रोटेक्ट कर रही है किससे डेंजरस या अनप्लीजेंट सिचुएशन से ठीक है समझ सकते हो फोर्टिफिकेशन लिख सकते हो इसका रेम्पर्ड कर सकते हो डिफेंस डिफेंस उसके बाद आता है हमारा कौन सा सिक्योरिटी तो सिंपल शब्द अगर आप देखोगे तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो ठीक है रैम्पर्ड फोर्टिफिकेशन सेफ गार्ड डिफेंस और सिक्योरिटी और ये वर्ड हमारे बन जाते हैं बुलवर्क के लिए क्लियर है जी आगे बढ़े सर नेक्स्ट स्क्रीन शॉट करते जाओ जब आपकी स्लाइड आ रही है ताकि आप इनको बाद में लिख सकें और ये भी ध्यान दें जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पिछली क्लास का मैं आपसे पूछूंगी जरूर याद रखना इस बात को नहीं तो तुम पढ़ते नहीं हो कोई शब्द समझ नहीं आया हो तो बता दो जब तक हाँ जी स्लाइड दिख रही है सभी बच्चों को पिक्चर देख करके एक बार बताओ ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कमेंट करके बताओ पिक्चर से क्या समझ आ रहा है ये एक फ्रेज भी है सिनो, इसमें भी पूछा जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ठीक है इची फिट इचिंग किसे कहते हैं बच्चे ठीक है जैसे अपनी अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हाथ में खुजली हो रही है itching हो रही है है ना और मम्मी दादी उनके क्या मीनिंग निकालती हैं, पता नहीं पैसे लगेंगे या पता नहीं पैसे आएंगे कुछ ऐसे होता है ना तो ये जो है बच्चे ईची फिट कौन से होते हैं जिनके पैरों में खुजली रहती है किस बात की सफर करने की ठीक है कुछ लोग क्या होते हैं द नीड टू लीव या फिर अ फीलिंग ऑफ ए नीड टू ट्रेवल जैसे कि एग्जाम्पल देखिए हियरिंग द ट्रेन विसल एट नाइट गिवस मी ईची फिट जैसे ही जो विसल बजती है रात को ट्रेन की तो उससे वो कैसा फील करता है जैसे कि उसको सफर करना है तो ये ऐसी फीलिंग क्रिएट कर देता है और उसको कहते हैं इची फिट तो इसको हम जब बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं भाई पैरों में खुजली हो रही है इट मीन मुझे कहीं जाना पड़ेगा अभी राइट और ये ऐसे ही फ्रेज है जिसका मतलब होता है ईची फिट क्लियर सर नेक्स्ट निकाल दो कई बार ये आपके पूछी जाती है फिर आप कहते हो जी ये हमने किताबें तो बहुत पढ़ी थी मिला नहीं हमें ये है ना तो आपको ये एक एक फ्रेज समझ लेनी है नेक्स्ट कर दो सर अच्छा कर लीजिए ठीक है हाँ जी हाँ जी एक बार पिक्चर देख के बताए खासकर लड़कियां ये जो पिक्चर है इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है पिक्चर इसीलिए दिखा रही हूं बच्चे ताकि आपको ये परमानेंट याद हो जाए इस ये जो वर्ड है बच्चे इसका साउंड करेंगे आप को कोए फ्यूर फूर ऐसे को फ्यूर क्या है ये कोए फ्यूर ठीक है <laughs> पिक्चर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हां जी ए स्टाइल ऑफ अरेंजिंग और कॉम्बिंग द हेयर ये पर्टिकुलर एक हेयर स्टाइल होता है जिसमें हम पर्टिकुलर बालों को सेट करते हैं या ऐसा कॉम्ब करते हैं ताकि कुछ स्टाइल बन जाए और ये आजकल वाली लड़कियों को पता ही है पता नहीं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाती है यहाँ से उठा के यहाँ ले जाती है है ना तो देट इज पर्टिकुलर एक हेयर स्टाइल है ये बेसिकली तो आप इसको कह सकते हो हेयर डू हेयर डू या फिर आप इसको बोल सकते हो हेयर कट सिंपल शब्दों में ठीक है ये पुराने टाइम में अंग्रेजों के वहां पर पर्टिकुलर कोई स्टाइल होते थे बालों के ठीक है तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है तो आप बोल सकते हो हेयर स्टाइल हेयर डू या फिर पर्टिकुलर कोई हेयर कट जो क्या बताता है किसी को पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी पैटर्न में जब हम बालों को कॉम करते हैं और उससे बन जाता है एक स्टाइल ठीक है यहां तक की कहानी समझ आई सर नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे ये पर्टिकुलर जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चे तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी पूछा जा सकता है इंद्रजीत काफी नॉलेज है आपको जैसे कि पफ मैम कोई भी हो सकता है ये हेयर स्टाइल का टाइप है ठीक है हेयर स्टाइल चलिए जी नेक्स्ट पिक्चर देख के बताएंगे क्या बता रहा है ये बेड एप्पल ठीक है क्या मीनिंग हो सकता है इसका एप्पल के अंदर देखो कैसे शेप बना रखे हैं कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा ना जैसा पिक्चर से आपको दिख रहा है कुछ पॉजिटिव नहीं है अनप्लीजेंट होगा कुछ है ना तो क्या मीनिंग बन रहा है बच्चे देखो अ पर्सन विद अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस इसका क्या मतलब है बच्चे कि कोई एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनी में आप बैठते हो तो आपके ऊपर उसका असर आ जाता है इन्फ्लुएंस का मतलब आपके ऊपर उसका प्रभाव आ जाता है क्लियर तो बैड एप्पल ये चीज होती है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातों से अपने तौर तरीके से दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव छोड़ता है जैसे मैं बोलू राम इज अ बैड एप्पल तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि राम अपनी कंपनी का असर दूसरों के ऊपर छोड़ता है नवीस ये एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड नहीं है बच्चों इसकी मैंने आपको कहानी सुनाई हुई है ये अलग फ्रेज है एप्पल ऑफ डिस्कोड ठीक है इसका मतलब होता है विघन की जड़ जिसको हम कहते हैं है ना रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट डिस्प्यूट का रूट कॉज यानी कि ठीक है और इसके पीछे मैंने आपको कहानी भी सुनाई हुई है फिर से बता देती हूँ एक बार अभी बात चल गई है तो ये पुराने टाइम में क्या हुआ था बच्चे की एक पार्टी चल रही थी माइथोलॉजी की जो कहानियां हैं जो मैं आपको फ्रेज सिखाऊंगी उसी हिसाब से तो उसमें क्या था कि एक रानी को उस पार्टी में नहीं बुलाया गया था तो उस रानी ने भी सोचा पार्टी मैं भी नहीं चलने दूंगी ठीक है ना तो उसमें हम क्या करेंगे उस रानी ने डिसाइड किया एक एप्पल लिया गोल्ड का सा एप्पल था जो दिख रहा था ऐसा और उस पार्टी में उछाल दिया और उसके ऊपर लिख दिया फॉर द फेयरेस्ट एप्पल के ऊपर क्या लिख दिया फॉर द फेयरेस्ट इसका ये मतलब था कि इस एप्पल को इस एप्पल को जो भी रानी अपने हाथ में ले लेगी ले जिसको पकड़ेगी तो वो आज इस पार्टी की सबसे सुंदर रानी होगी और आपको पता है सुंदरता के लिए तो सारे ही मरते हैं तो उस एप्पल को पाने के लिए सारी रानियों के बीच में लड़ाई हो गई अब जो दूर बंदे बैठे थे वो क्या कहेंगे भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है तो क्या बोले जी इस एप्पल की वजह से हो रही है तो एप्पल ही लड़ाई का क्या है रूट कॉज है क्योंकि सारी रानियां उस एप्पल के लिए ही मर रही थी है कि नहीं तो इसीलिए ये फ्रेज बनी थी आपकी माइथोलॉजी की कहानी में कि एप्पल ऑफ डिस्कोड अपने यहां पर क्या होता है अपने यहां की देखें तो अपने यहां से बनी हुई है कि आप कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा डाल दो दूसरा कुत्ता उसको खाने नहीं देता ठीक है तो उसको हम कहते हैं हमने यहाँ पर इसको रिलेट कर रखा है बोन ऑफ कंटेंशन बोन होता है हड्डी और यानी कि लड़ाई का जो रूट कोज है वो हड्डी है क्योंकि कुत्ता जो होगा वो हड्डी के लिए लड़ रहे हैं आपस में बहुत सारे कुत्ते भोग रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ये कुत्ते क्यों भोग रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इस बोन को इस हड्डी के लिए सारे वो कर रहे हैं तो दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन अगर पेपर में नाम से आए बोन ऑफ कंटेंशन या फिर आए एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड दोनों का एक ही मीनिंग होगा रूट कॉज ऑफ वर्ल्ड या रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट राइट तो ये था आपका एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड क्लियर चलिए जी नेक्स्ट बढ़े आगे नेक्स्ट स्लाइड अभी आपके पास आएगी हाँ जी एप्पल ऑफ डिस्कोर्स समझ आ गया सभी को एप्पल से रिलेटेड बहुत सारी आएंगे आपकी फ्रेज जैसे एक होता है एप्पल ऑफ वंस आइज ठीक है वेरी डियर जो होता है ठीक है यानी कि सबका प्यारा नेक्स्ट फ्रेज आपके स्क्रीन पे है बच्चे स्टोम इन अ कप तो जैसा आपको पिक्चर दिख रही है और जैसे ये फ्रेज लिखी है आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं स्टोम इन अ कप चाय का एक कप दिख रहा है उसमें तूफान आ गया है तो क्या मीनिंग हो सकता है इसका पढ़ के देखो नीचे क्या लिखा है ए लोट ऑफ अन मैटर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इसका ये मतलब है बच्चे कोई ऐसी चीज के ऊपर आप फालतू का गुस्सा कर रहे हो चिंता कर रहे हो और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस की भी नहीं है और उसी को कहते हैं कि चाय के कप में तूफान आ गया यानी कि स्टोम इन कप क्लियर तो ये आपकी फ्रेज है आपको नोट कर लेनी है जब आपके एग्जाम में चार ऑप्शन बच्चे तो वो एक को अंडरलाइन करके आपको पूछेगा कि इन ए अप अंडरलाइन फ्रेज का क्या मीनिंग है तो आपको चार ऑप्शन एंड वरी अबाउट अ मैटर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्लियर यहां तक बात समझ आ रही है यानी कि फालतू का गुस्सा बिल्कुल ठीक है तनु आप बिल्कुल ठीक रहे हो फालतू का गुस्सा ठीक <laughs> है चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं अभी कमेंट करके बता देना अगर किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आई हो तो जो हमारी स्लाइड्स चल रही हैं जब तक आप शेयर करते रहें दोस्तों के साथ और ये वीडियो हो जाता है उसके बाद भी क्या करो ताकि सबको बेनिफिट मिल सके ठीक है नेक्स्ट वर्ड जैसे पिक्चर आपको दिख रही है मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है Frugal है ना कुछ पैसे दिख रहे हैं और उनको देखो कैसे टाइट बांध रखा है है कि नहीं एक ऐसा बंदा जो पैसों को ऐसे बांध के रखेगा क्या वो पैसा खर्च करेगा और जो पैसा खर्च ना करे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं कंजूस कहते हैं ठीक है बहुत सारे वर्ड इसके बन जाते हैं आगे हम स्नोनी मैंटोनी में किसी दिन देखेंगे इस स्लाइड को कि एक ऐसा बंदा जो गड्डी को टाइट पकड़ता है टाइट वेड है ना थ्रफ्टी ठीक है इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल भी इसी को कहते हैं पार्सिमोनियस पर्स से जो मनी बाहर नहीं निकालता तो क्या बोलेंगे इसको कंजूस पार्सिमोनियस पर्स से मनी जो बाहर ना निकाले कह सकते हैं फ्रूगल है ही हमारा हस्बेंड्री भी इसको बोलते हैं ठीक है कि जो सोच समझ करके पैसे खर्च करता है माइजर बहुत ही पुराना वर्ड हो चुका है बच्चे तो आप उसकी जगह पे नए वर्ड यूज किया करो क्योंकि जिन शब्दों को आप यूज करोगे तो वही आपकी जुबान पे आएंगे ना और जब जुबान पे आएंगे तो आप यूज भी कर पाओगे उनको फेमिलियर भी फील करोगे ठीक है चलिए जी नेक्स्ट गर्मी बहुत है मैम क्या करें भाई गर्मी का ये तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना यू आर नॉट फॉलोइंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस हा <laughs> थ्रिफ्टी इसी का मीनिंग है संदीप ऐसे याद करो 350 में जो काम चला ले 350 में जो काम चलाएगा वो बंदा कंजूस ही होगा भाई है कि नहीं चलो जी नेक्स्ट आपको स्लाइड दिख रही है आ चुकी है आपकी स्क्रीन पे देख के बताओ एक बार इसका क्या मीनिंग हो सकता है बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बिजार बिजारे मत कहना इसको बिजार अब जैसा पिक्चर में दिखाया गया है बच्चे ये कुछ अजीब सा लुक नहीं दिख रहा आपको बिल्कुल बिजार का मतलब होता है बिल्कुल विचित्र ठीक है जिसको देख करके हंसी आई है ना ठीक है कि ये जो अगर हम इस वर्ड को थोड़ा पीछे जाएं बच्चे तो ये वर्ड मैक्सिमम एनिमल्स के लिए यूज होता है कारण क्या होता है बच्चे जो पानी में नीचे रहते हैं क्रिएचर उनकी उनको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अजीब सा हो जाता है और उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिजार ठीक है तो बिजार का मतलब होगा बिल्कुल विचित्र टाइप का अजीब सा अब तुम सोचो अकेडमी की क्लास चल रही है और वहां पर कोई शेरवानी पहन के आ जाए कैसा लगेगा एक बार देख करके यही कहोगे ना बड़ा विचित्र है बड़ा स्ट्रेंज है है कि नहीं क्योंकि इस सारा माहौल के हिसाब से ही ड्रेस होना पड़ता है तो इसी तरीके से हम इसको वर्ड यूज कर सकते हैं बिजार हमारा बिहेवियर भी हो सकता है बच्चे जैसे कुछ लोग हंसने की बात पे तो हंसते नहीं क्या पता रो पड़े और रोने वाली बात पे वो क्या पता हंस दे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा बिजार ठीक है विचित्र टाइप का होगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं पिक्चर इसीलिए दिखा रही हूँ बच्चे ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए क्योंकि पिक्चर देख करके तो आप याद रख सकते हो ना ठीक है और अब भी याद नहीं रखोगे तो देख लेना बस ठीक है गर्लफ्रेंड को तुम कभी नहीं भूलते दस साल बाद भी मिलते हो पहचान लेते हो है ना वो भी याद नहीं होती आपको चलो जी पिक्चर देख के फटाफट बता दो यूटोपिया और इसके पीछे की जो कहानी है बच्चे ये हमारे लिटरेचर में आती है एमए का जो सिलेबस होता है उसमें एक आपका ये होता है प्ले ड्रामा टाइप का कुछ दिखाते हैं और यूटोपिया क्यों नाम दिया गया था मैं ये बता दूंगी आपको ठीक है थॉमस मोर का था ये जो फिफ्टीन सिक्सटीन में उन्होंने लिखा था और ये हमारे सिलेबस में है हाँ तो जैसा कि इसमें लिखा है बच्चे हिंदी में इसका मतलब होता है राम राज्य बिल्कुल नवीश ने बिल्कुल ठीक लिखा है और जिसका मतलब होता है बच्चे क्या कि जहां पर सारी चीजें परफेक्ट हो मतलब अप टू द मार्क जहां पर चीजें हैं अगर वह यूटोपिया की आपको कहानी समझाऊं जो लिटरेचर में है तो वहां पर क्या होता था बच्चे जो भी एक ये आइलैंड था पर्टिकुलरली एक और उसमें क्या था जितने भी लोग होते थे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी अगर मैं लिटरेचर वाला आपको बताऊं तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी और जब भी वो कोई शॉपिंग करते थे या कुछ भी करते थे तो वो क्या करते थे उनका इकट्ठा सिस्टम होता था मार्केट में जाते चीज ले आते और बदले में वो क्या करते थे अपने अपने घरों में काम करते थे जैसे कोई पर्सन है बेडशीट बनाता है कोई पर्सन है कुछ और काम करता है इस तरीके से वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे ठीक है पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती थी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी बच्चे तो डिस्प्यूट भी नहीं होंगे ना और उस जगह पे क्या थी बहुत ज्यादा शांति थी ठीक है और वहीं से ये शब्द बना था आपका यूटोपिया इसीलिए वहां पर इसका जो वर्ड मीनिंग है वो है एक इमेजिनरी आइलैंड जहां पर सारी चीजें अप टू अपटू दर है बच्चे ये ठीक है मैं वही बता रही हूं आपको और इसीलिए बच्चे इसका नाम दिया था यूटोपिया अब मैं चलो आपको अपनी लाइफ से जोड़ के बता देती हूँ इसको आप कई बार न्यूज पेपर पढ़ते हो ठीक है हिंदू न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक खबर मिलेगी बच्चे आपको कांग्रेस पार्टी ब्लेम करती रहती है नरेंद्र मोदी को क्या ब्लेम करती है कि कांग्रेस पार्टी ब्लेम्स नरेंद्र मोदी फॉर शोविंग द यूटोपियन विजन टू इंडिया इसका क्या मतलब है बच्चे कि भाई कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे यहां पर बिल्कुल राम राज्य स्थापित करने वाले हैं ठीक है तो अब इस बात पे मोदी को गुस्सा आ गया तो मोदी बदले में क्या बोला बोला इट इज बेटर देन द डिस्टोपिया यू हैड क्रिएटेड क्या मतलब निकला यहां से यूटोपिया एक पॉजिटिव टोन का शब्द है बच्चे इसका मतलब है बिल्कुल अच्छा तो उल्टा क्या हो जाएगा डिस्टोपिया अगर यूटोपिया को मैं स्वर्ग कहूं जिसपे सारी चीजें अप टू द मार्क हैं, तो डिस्टोपिया इज इक्वल टू नरक हेल के बराबर है ये हेलिस टाइप का नरक जैसा यानी कि डिस्टोपिया तो ये न्यूज़पेपर में जैसे आते हैं ना बच्चे सेटाइर आते हैं हिंदू न्यूज में जो एडिटोरियल पेज होता है तो वहां पर कई बार वो अपने उसमें यूज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ब्लेम्स सॉरी कांग्रेस पार्टी ब्लेम्स नरेंद्र मोदी फॉर शोविंग यूटोपियन विजन टू इंडिया बदले में मोदी क्या बोला इट इज बेटर देन द डिस्टोपिया यू हैड क्रिएटेड इसका मतलब उस नरक से तो अच्छा है जो तुमने बना के छोड़ दिया था राइट right? तो ये उसकी एक खबर है डोंट टेक इट पर्सनली ठीक है चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो आई डोंट केयर आप सिर्फ इस दो वर्ड्स को समझ लेंगे ये पॉजिटिव टोन का शब्द है और इसका ओपोजिट बनाओगे तो बन जाएगा डिस्टोपिया राइट right? तो ये थे इस वर्ड की कहानी और यहां से आपको दो शब्द उठा लेने हैं ठीक है जी नेक्स्ट कर दो सर एक लास्ट स्लाइड और दिखा दो बस फिर उसके बाद कर देंगे ये एक वर्ड है बच्चे बर्बल और इसका मतलब क्या होता है टू स्पीक इन एन एक्साइटेड मैनर जैसे आप हिंदी में कहते हो ना बुड़बुड़ा रहा है वो ठीक है कई बार ऐसा गुस्से में होता है ना कि जब आपने कोई गलती कर दी और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं भी दोबारा ये मत करियो ठीक है तो वहां पर वो बुड़बुड़ाते रहते हैं तो बर्बल का वर्ड मीनिंग होता है टू स्पीक इन एन एक्साइटेड मैनर आप कह सकते हो बुड़बुड़ाना बुदबुदाना बुड़बुड़ाना क्लियर है यहां तक ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे जितनी थ्यूरी मैंने आपको कराई है प्लस में जितने वर्ड आज मैंने डिस्कस किए हैं कल मैं इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकती हूँ क्लियर ऐसे ही हमारा चलता रहेगा किसी दिन वन वर्ड आ जाएंगे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है तो आज मैं यहाँ पर अपने इसको सेशन को खत्म करती हूँ जब तक आप पढ़ते रहिएगा और कोई भी डाउट होता आप मेरे से पूछते रहिएगा ठीक है क्योंकि गर्मी ज्यादा अभी आ रहे हैं कमेंट और लगभग डेढ़ घंटा होने वाला है हमारी क्लास को ठीक है और अभी तक भी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करो नहीं तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ठीक है ये बात समझ आ रही है और वीडियोस देखते रहिए ठीक है दोबारा अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी क्लियर तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करवा दो ताकि उसको लेटेस्ट वीडियो की क्या मिल जाए खबर मिल जाए ठीक है मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में